सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10, टॉपिक चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर, टीचर सरमद अली, टॉपिक व्हाइल एंड लूप, पेज नंबर 49 एंड 50, लेक्चर नंबर 3.9। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट टॉपिक, आपको पता है हमारा टॉपिक जा रहा था लूप्स, और उसके अंदर हमने फॉर नेक्स्ट लूप और उसका एक प्रोग्राम देखे था। आज बेटा हम लर्न करते हैं व्हाइल एंड लूप, ये दूसरी तरह की लूप है, और साथ हम इसकी एक एग्जांपल लर्न करते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। व्हाइल एंड लूप, द व्हाइल लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएट कंडीशन बिकम फॉल्स। एक बड़ा वाजिया फ़र्क नज़र आ रहा है। फॉर नेक्स्ट में हमने कहा था कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ये ऐसी लूप थी जो काउंटर की तरह काम करती थी, जिसमें इन एडवांस हमें पता होता था कि हमने 10 दफ़ा इसको चलाना है, 15 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा चलाना है। व्हाइल एंड ऐसी नहीं है। अगर बच्चों को याद हो तो हमने डेफिनेशन में भी रीड किया था कि जो लूप होते हैं ये दो तरह से अपने क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। एक वो फुलफ़िल करते हैं कि काउंट करके हम बता दें फिक्स नंबर कितनी दफ़ा लूप ने चलना है, और दूसरी तरह हम कहते हैं कि कोई क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर लूप जो है अपना काम करती है। तो किताब कहती है द व्हाइल एंड लूप कीप रिपीटिंग एन एक्शन अनटिल एन एसोसिएट कंडीशन बिकम फॉल्स। दिस इज़ यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ये सेकेंड बात आ गई। आपको याद होगा कि फॉर नेक्स्ट का पहला सेंटेंस ही ये था कि इसमें हमें इन एडवांस यानी कि पहले ही पता होता है कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, पहली लाइन में क्लियर हो जाता है। दो बातें हुई। पहली तो बात यह है कि व्हाइल एंड में इन एडवांस नहीं हमें पता होता कि लूप ने कितनी दफ़ा चलना होता है, और दूसरी बात हमने लर्न की कि ये डिपेंड कर रही होती है कंडीशन पे। अगर एसोसिएटेड कंडीशन ट्रू है तो वो चलती रहेगी जब तक एसोसिएटेड कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया जी, डिफाइन व्हाइल एंड लूप, शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल एंड लूप। व्हाइल एक्सप्रेशन, आगे लूप स्टेटमेंट होती है, ये फॉर नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ, आप डॉट 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 के दरमियान लिख सकते हैं। और वेंड में डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइल और एंड का मतलब होता है एंड, यानी कि लूप यहाँ पे ख़त्म हो गई। वजाहत देखते हैं। जो एक्सप्रेशन होता है इन द व्हाइल लूप, यानी कि कोई अगर आपने वेरिएबल लिखा है, कोई ग्रेटर दैन, कोई लेस दैन, कोई भी फार्मूला लिखा हुआ है, वो एक्सप्रेशन होगा। द एक्सप्रेशन इन व्हाइल लूप कंट्रोल द लूप रेपिटिशन। तो एक्सप्रेशन जो है वो लूप रेपिटेशन को कंट्रोल करेगा। द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप। वो कहता है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप से जो स्टेटमेंट्स है वो रन होंगी। द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अनटिल द कंडीशन इज ट्रू, और वो उस वक्त तक उसको चलाती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू है। व्हाइल कंडीशन लूप स्टेटमेंट वेंड, अब कंडीशन देखी गई ट्रू है, स्टेटमेंट चल गई, फिर दोबारा वेंड व्हाइल के बाद भेजेगा, फिर कंडीशन को चेक करेंगे, फिर कंडीशन को चेक करेंगे। एज सून एज इट बिकम फॉल्स द लूप टर्मिनेट इमीडिएटली एंड द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू वेंड स्टेटमेंट। तो बच्चों जी, जूँ ही हमारी व्हाइल के बाद की कंडीशन फॉल्स होती है, कंट्रोल फौरन जंप करेगा वेंड से अगली जो स्टेटमेंट होगी, कंट्रोल को वहाँ पे भेजेगा व्हाइल एंड पे, और वहाँ पे जो पेंट से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी। यानी कि बात सिंपल हुई कि ये स्टेटमेंट उस वक़्त तक, ये लूप उस वक़्त तक स्टेटमेंट्स को चलाती रहेगी जब तक व्हाइल के बाद आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है। जब तक ट्रू है वो चलता रहेगा, जो ही वो फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल वेंड के बाद आ जाएगा। एक और बात वो बता रहा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट लूप कंट्रोल वेरिएबल इन द व्हाइल वेंड लूप इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप एंड इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। जरा थोड़ा मुश्किल फिक्र है, समझें। तो बच्चों आप ये देखें ना कि लूप कंट्रोल वेरिएबल कौन सा होता है। हमने फॉर नेक्स्ट में पढ़ा था जो फॉर के बाद वेरिएबल होता है उसको हम लूप कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। व्हाइल में ऐसे होता है बच्चों के उसमें तो ऑटोमेटिकली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ना, जो खुद ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है। व्हाइल में हमें खुद से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे। उस वेरिएबल को वो व्हाइल के बाद भी हो सकता है, वो
लूप के अंदर भी हो सकता है, लूप के बाहर भी होता है, और उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जो वेरिएबल होगा जिसमें नंबरिंग आएगी उसको हम कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। और किताब कहती है कि इट मस्ट बी नोटेड द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन व्हाइल लूप इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे कि जो कोई एक वेरिएबल होगा जिसमें हम इन वैल्यूज़ को ले रहे हैं 1, 2, 3 और जिस पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लूप से बाहर इनिशियल वैल्यू देंगे। तो इनिशियलाइज आउटसाइड द लूप का मतलब है कि लूप के शुरू में हम उसको कोई ना कोई स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक, ये हमने फॉर नेक्स्ट में तो किया ही नहीं। फॉर नेक्स्ट में तो सीधा सीधा हमने प्रोग्राम बना दिया था और उसमें इंक्रीमेंट वगैरह और डिक्रीमेंट हम कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसमें हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैन्युअली करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम लॉजिक, और वो व्हाइल और वेंड के दरमियान होगा इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप क्या है? व्हाइल के बाद और वेंड से पहले। तो इसमें हम कहीं ना कहीं उस वेरिएबल में वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। वेयर एज इन द फॉर लूप, अब वो कंपेयर कर रहा है, द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटेड विद इन द फॉर स्टेटमेंट। अब फॉर नेक्स्ट की जो पहली लाइन होती है उसी के अंदर ही वो हमने लास्ट टाइम में लर्न किया था। अगर मैं कहूँ फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, तो हमने आई को स्टार्टिंग वैल्यू भी दे दी 1, हमने एंडिंग वैल्यू भी दे दी, और अगर इंक्रीमेंट नहीं मेंशन किया तो 1 का ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट अप्लाई हो गया। तो पहली लाइन ही हमें बता रही है कि स्टार्टिंग एंडिंग वैल्यू क्या है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, जबकि व्हाइल वेंड में ऐसा नहीं होता। व्हाइल वेंड में किताब कहती है कि इन एडवांस हमें पता नहीं होता, तो इसमें कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसमें जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो विद इन द बॉडी ऑफ द लूप होता है। ये दोनों के अंदर फ़र्क है, मज़ीद इसको हम प्रोग्राम से क्लियर करते हैं। प्रोग्राम जो है इसका फॉर नेक्स्ट की निस्बत काफ़ी सिंपल लिया गया है। एग्जांपल पे गौर करें, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिजिट फ्रॉम 1 to 10। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमने प्रिंट करने हैं। अब देखें एक वाजिया फ़र्क आ रहा है, फॉर नेक्स्ट टू में हमने डायरेक्टली फॉर से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे लाइन नंबर 10 में हम कह रहे हैं एन इज इक्वल टू 1। इसकी बेटा जी इंटरप्रटेशन में बात हो रही थी कि इसके अंदर एक लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है। तो इस प्रोग्राम में जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है एन है, और उसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया विच इज़ 1। उसके बाद देखिए हमने कंडीशन ली, कंडीशन है जी व्हाइल एन लेस देन इक्वल टू 10। अगर मैं इसकी सादा ट्रांसलेशन करूँ तो कह रहा है जब तक एन में वैल्यू 10 या 10 से कम हो, यानी कि 10 तक ट्रू रहेगी और इससे कम तक ट्रू रहेगी, 11 पे ये फॉल्स हो जाएगी। तो मैं ये लूप की एक कंडीशन एक्सप्रेशन इसको दे रहा हूँ व्हाइल, और ये उस वक्त तक लूप चलेगी जब तक ये कंडीशन आपकी ठीक रहेगी। अब व्हाइल इसमें कीवर्ड है और n लेस देन इक्वल टू 10 ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। लाइन नंबर 30 पे प्रिंट n हो गया। 40 पे देखिए हमने कहा था कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो विद इन द बॉडी ऑफ द लूप होता है, यानी कि व्हाइल के बाद और वेंड से पहले, जबकि जो इनिशियलाइजेशन होती है जो इब्तदाई वैल्यू दी जाती है वो लूप के शुरू में दी जाती है। लाइन नंबर 10 में जैसे हमने कहा n इज़ इक्वल टू 1। तो देखें 50 नंबर लाइन वेंड है, इस पर प्रोग्राम एंड हो रहा है और आखिर में हमने एंड लिख दिया। अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहली वैल्यू देखें एन में क्या होगी, 1। अब हम वैल्यू को रिप्लेस करें एन के साथ तो एन बन गया 1। 1 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये तो कंडीशन आपको पता ही है कि अगर मैं कहूँ 1 लेस देन इक्वल टू 10 तो आप कहेंगे ये ट्रू है, 1 कम होता है 10 से, तो ट्रू हो कि ट्रू की सूरत में आप लाइन नंबर 30 पे आ गए, 1 प्रिंट हो गया क्योंकि एन में 1 है। अब हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, एन रिप्लेस हो चुका हुआ है 1 से, तो ये हो गया 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। वेंड क्या करेगा, दोबारा कंट्रोल वापस भेजेगा व्हाइल पे और व्हाइल फिर कंडीशन को चेक करेगा। अब एन में 1 नहीं रहा क्योंकि हमने उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है, तो एन 2 बन चुका हुआ है, तो अब 2 < 10 = 10 ट्रू होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें टेक्निकल बात ये है कि
लास्ट वैल्यू जब एन में 9 होगी तो 9 प्लस 1 10 होगी, तो कंडीशन आएगी वाइल एन और एन रिप्लेस होगा 10 से, 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो चूंकि हमने इक्वल लिखा हुआ है इसलिए 10 पे कंडीशन ट्रू होगी, और हम चाहते हैं कि 10 पे कंडीशन ट्रू हो क्योंकि हम प्रोग्राम को 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये हमारा मकसद है कि 10 पे ट्रू हो, तो 10 पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी, प्रोग्राम चलेगा, एन यानी कि 10 प्रिंट होगा। अब हो जाएगा एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, एन रिप्लेस हुआ 10 से, 10 प्लस 1 11, वेंट से दोबारा वापस में जाएगा, अब एन में 11 है, 11 पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारी लूप रुक जाएगी। और अगर मैं इस प्रोग्राम के रिजल्ट की बात करूं तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट होगा 1, 2, 3 से लेके 10 तक वर्टिकली ये सारे नंबर बेटा प्रिंट कर देगा, मैंने साथ में आउटपुट मेंशन भी कर दिया।